नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। करनाल जेसीआई इजराइल की ओर से मनाए जा रहे जेसीआई वीक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज श्री रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल में आंखों का फ्री चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर नूपुर चुराया एवं डॉक्टर कमल चुराया द्वारा मरीजों की जाँच की गई और उनको स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए गए। यहाँ हम आपको बता दें कि जेसीआई इजराइल हर वर्ष जेसीआई सप्ताह का आयोजन करती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करवाए जाते हैं, जिसमें पौधारोपण करना, पर्यावरण संरक्षण, जल बचाओ के साथ साथ मेडिकल कैंप लगाना समाज के हित में कार्य करने की प्राथमिकता दी जाती है। उसी कड़ी में आज श्री रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल में आंखों का फ्री चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों की आंखें चेक की गई और उनको दवाइयां भी दी गई। हमारे साथ हैं डॉक्टर नूपुर चुराया और जो जेसीआई द्वारा वीक मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही हैं। आज आंखों के टेस्ट किए जा रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं, क्या कुछ उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ये हमने जेसी करनाल अजाय के साथ जेसीआई वीक में 9 से 15 सितंबर तक एक फ्री आई चेकअप कैंप आयोजित किया है श्री रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल करनाल में। मैं डॉक्टर नूपुर चुराया। हमारे यहाँ पे आंखों के साथ काफी मरीज आ रहे हैं जिनको मुफ्त देखा जा रहा है, उनके टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। इन मरीजों की सारी ट्रीटमेंट करी जाएगी फ्री में और इनके आंखों के ऑपरेशन जिनको जरूरत है मोतियाबिंद इनके ऑपरेशन भी हम फ्री करेंगे। सिर्फ इनसे हम लेंस का चार्ज, जो लेंस का कॉस्ट है, उतना ही चार्ज करेंगे। तो इस सेवा का फायदा लेने काफी मरीज आ रहे हैं, रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। जेसीआई वीक के अंतर्गत और क्या कार्यक्रम होते हैं आप लोगों के? देखिए, जेसीआई वीक एक में क्या होता है, काफी सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे कि हमारी जनरल सोसाइटी को काफी हद तक फायदा होता है। तो इसमें जैसे कि आय का कैंप हमने आयोजित किया है। सैटरडे को हमने निर्मल धाम में जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि उनको फ्री मूवी और उनका एंटरटेनमेंट और खाना पीना काफी कराया गया। और भी सोशल प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक लेडीज के भी होते हैं, हम वो एग्जीबिशंस लगाते हैं और बाकी सोशल अवेयरनेस प्रोजेक्ट करते रहते हैं। आज के प्रोजेक्ट में कितने मरीज इलाज के लिए आए? अभी तक आ चुके हैं 25 to 30 पेशेंट्स। अभी तो शुरुआत हुई है कैंप की, हम होप करते हैं कि लोग काफी अच्छी मात्रा में आएंगे और अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, इन सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। जेसीआई एजाइल क्लब की ओर से कोई मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? जेसीआई एजाइल जो है चैप्टर हमारा, इसका मेन हमारा जो एम है, आपस में कंट्रीब्यूशन करके सोसाइटी का फायदा करना। ठीक है, क्लब्स तो सारे ही होते हैं, हम आते हैं जाते हैं, बट हमारा मेन मोटो रहता है कि हम अपनी जनरल सोसाइटी का, जो गरीब लोग हैं, उनका कुछ तरह उधार कर सके। तो उसी लिए वीक मनाई जाती है ताकि हम लोगों को अवेयरनेस भी दे सके और किसी भी तरह से उनके काम आ सके। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, मैं डॉक्टर कमल चराया, संचालक श्री रामचंद मेमोरियल हॉस्पिटल तथा मेंबर ऑफ जेसीआई करनाल एजाइल। हम जेसीआई एक चैप्टर के बिहाफ पे एक जेसिस वीक बनाते हैं, जिसके अंदर जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जो प्रक्रिया है, वो करी जाती है। एक ऐसी ही प्रक्रिया हमारी टीम ने मेरे को सौंपी कि जिसके अंदर हमने ये सेवा का मौका चुना, जिसके अंदर हम गरीब लोगों को, नीडी लोगों को फ्री आंखों की ओपीडी तथा फ्री आई सर्जरी दें। उसके अंदर सिर्फ मिनिमम कॉस्ट ऑफ लेंस जो पेशेंट पे डाले, या कुछ हम लोग आपस में स्पॉन्सर करेंगे या कुछ कहीं और से करवाएंगे, ताकि नीडी लोग की आंख बन सके। तो ये एक पूर्ण रूप से मैसेज है, तो कि जहां जितना अच्छा सर्कुलेट होगा उतनी नीडी लोगों को फायदा होगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।